कि मैं किन तरहों अपनी परंपराओं ने लेन आगे चालू, चाहे अपनी कला हो, संस्कृति हो, किन्हीं तरह का क्राफ्ट हो, उन सब लगाव जैसी की घणो घणो हो सकता। तो वो लगाव दिखाने वास्ते मैं आपने रखे एक तो पेंटिंग दिखा रहे हूँ, जंतर मंतर निर्माण रे पहली वे सारा जयपुर राज्य का कारीगर था, लोहार हो, खाती हो, मूर्तिकार हो, उन्होंने बुलाया और जंतर मंतर छोटा छोटा मॉडल बनवाया। तो वे इतना मॉडल जो चेन्नई में विद्यापति विराजमान है, जगन्नाथ सम्राट की है, और आप देखो सारा सारा जो क्राफ्टमैन है वे भी है, घटा चित्रकार भी है। तो कोशिश ना करी कि वे किन तरह कलाकारों ने पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ ढूंढ में लाया, उन्होंने बसाया और उन्होंने बसाया भी कोई, उन्होंने रोजगार दिया। आप फनीकरण में जाओ, फनीकरण में बोलो, चित्रकार जाओ, तो मुसफर की गली है, टटेर की गली है, कुमार किन तरह हर क्राफ्ट के हिसाब में नगर बसा ने उन्होंने नाम भी दिया। तो और सवाई जयसिंह ने बड़ी सोची कि वे कला और कलाकारों ने हाथ रखने चाहता। दूसरी और सब्जेक्ट में सारा विद्वजन बोले एक पेंटिंग और जी मैं पढ़ना साबु प्लान करता हूँ, सवाई जयसिंह और अश्वमेघ यज्ञ। तो उन बारे में मैं एक पेंटिंग होने जिसको आज आज पास करना आप पढ़ेगा, बहुत जोरदार बड़ा आर्टिकल है। तो वो जो तो पेंटिंग में बड़ी शुरुआत की है नित्यानंद सिंह के सिखाव साहब है, गोविंद नारायण साहब है, ये और सब मार्गदर्शन मिले करता भी है, जयपुर आर्टर को भी मानो आर्टर चित्र करते हो है, ये है कि मैं देखे तो बच्चे को एक चित्र बनाया है। और चूंकि वो प्रोग्राम जंतर मंतर में होने वाला हो तो वो सरकारी की नहीं वजह से उठे नहीं हो पाया, तो दरबार साहब ने एक तारीख में शॉर्ट नोटिस को एक रिक्वेस्ट करी तो वो प्रोग्राम उनके उमवाड़ो हो और अटे आपे करो और चूंकि अपना जो सवाई जयसिंह की जयंती मनाओ ही हो तो अगर विद्वान मीडिया के आने आपकी ढूंढाड़ी भाषा में कविता के सवाई जयसिंह के व्यक्तित्व करते हुए बारे में चर्चा करे तो बड़ा अच्छा लगेगा सर। तो दरबार तुरंत भाव कर दिया। तो आज वो फंक्शन हो रहे महाराजा सवाई मान सिंह के संग्रहालय और दरबार साहब भी पहन सोचो वे चावे कितना कलाकार महाराष्ट्र जुड़ा है, सिटी बैंड से जुड़ा है, ढूंढाड़ी संस्कृति की तरह जुड़ा है, मेरी सोच है मैं उन्हें पूरी दुनिया में हमें नाम नहीं चाहूँ। तो वहाँ मेरी सोच है मैं उन्हें नमन करूँ और किन्हीं विशेष वजह से मैं आज नहीं बना पाया, बाकी दरबार साहब भी यही सोच है कि मैं हमारे कलाकारों ने हमारी ढूंढाड़ी संस्कृति ने पूरी दुनिया में रखा। मैं अगर पेंटिंग क्लासेस लेकर जो सीखाऊँ जिन्हें ध्रुपद सिखाई जाए, पेंटिंग सिखाई जाए, नृत्य सिखाई जाए, लोक नृत्य सारी कला बात भी पार्टी व्हाट्सएप सीखा अटे फ्रेश करी। तीन साल पहले दरबार साहब की पहलू शुरू करी तो आप सोचो मैं खुद अटे बिगा गया और खुद बनाने में सीख गया कि वास्ते में फ्रेश को बने की कर। तो ये सोच देखो मैं आप खुद उन्हें आत्मसात करिए कला में, तो उन तरह का मैं जो प्लान कर रहा है मैं सोच रहा है अपनी परंपराओं जुड़ो और उन्हें अच्छा। और मेरा सबसे बड़ा शब्द की बात मैंने कि मैं जब विदेश में घूमिया उनको देख के हमारे जयपुर ने तो ऐडो लागे कि मैं सोना के टीले माथे बैठो तो कितनी बड़ी बात बोली। तो अब हमें लागे तो हमारी की संस्कृति है वह बहुत दुर्लभ है और इन्हें पूरी दुनिया में छावनी चीज है। और उन्हीं पहले आप सिटी पहले में घूमने देखो ना तो मैं पुराना प्लास्टिक पेंट से बटवा लिया क्योंकि निकल गए 100 साल पहले की कला। आप अपने विजिट कर लो अपने प्रोग्राम खत्म हुए बैठे आप देखो 100 साल पहले की माँ का रंग तोड़ दिया है, उन्हें वापिस कुछ उन्हें रिनोवेशन रेस्टोरेशन करवा लिया और वह कला दुनिया रखों में गेर आ गया। तो उन दरबार साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऑफर के सामने